हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कैपलर्स लॉ। कैपलर्स ने बच्चों यहाँ पे तीन लॉ के बारे में बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैपलर्स फर्स्ट लॉ के लिए। कैपलर का पहला लॉ क्या कहता है बच्चों? ईच प्लेनेट moves revolving around the sun around the sun in an elliptical orbit। कहता है कि each planet revolving around the sun in elliptical orbit and sun is at one focus। ठीक है, क्या कहता है बच्चों कि each planet revolving around the sun in an elliptical orbit and sun is at one focus। वो कहता है कि जो जितने भी planet है वो sun के साथ चारों तरफ किस में रिवॉल्व करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिकल पाथ। जैसे मैं ये कहूँ बच्चों, ये होता है इलेक्ट्रिकल पाथ। बच्चों इसमें क्या होता है बच्चों, यह बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पाथ। इसके अंदर बच्चों दो एक्सिस होती है, सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस। ये बी है तो ये मान लिया ए है। ए क्या है बच्चों? मेजर एक्सिस और बी क्या है? माइनर एक्सिस। ए क्या है? मेजर एक्सिस और बी क्या है बच्चों? माइनर एक्सिस। ठीक है, इसको बोलते हैं इलिप्स। देखो ये सर्कल की शेप होती है और सर्कल की इक्वेशन होती है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर वन। इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है बच्चों? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर वन। इसको लैटिस रेक्टम भी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, नोट करिए एक बार पॉइंट, इसको ये नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से। ये भी ए है बच्चों, टोटल ए डिस्टेंस की बात करोगे तो 2a हो जाएगी। ये इतनी ए है, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। अब बात करते हैं बच्चों एसेंट्रिसिटी की, ठीक है, ये नोट कर लिया एसेंट्रिसिटी। हम पढ़ रहे हैं बच्चों कैपलर्स फर्स्ट लॉ पढ़ रहे हैं, तो मैं ऊपर लिख दूँ, ध्यान रहेगा कैपलर फर्स्ट लॉ, ठीक है, ध्यान रहेगा सबको, लिख के दूँ पूरा फर्स्ट लॉ। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों एसेंट्रिसिटी की। एसेंट्रिसिटी बेसिकली बच्चों शेप बताती है कि किसी भी शेप की कितनी अमाउंट है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ एसेंट्रिसिटी को बच्चों ई को लेते हैं, ई से डिनोट कर लेते हैं जनरली। किसी बुक में आप एप्सिलॉन से डिनोटेड पा सकते हैं। ठीक है, अगर ई की वैल्यू बच्चों जीरो है तो वो सर्कल होगा। अगर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू जीरो है बच्चों तो वो क्या बताता है आपको? सर्कल बताता है। और ई की वैल्यू लेस देन वन है तो इलिप्स होगी। ठीक है, अगर ई की वैल्यू इक्वल टू वन है तो पैराबोला होगी। पैराबोला, ठीक है, ई की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो उसको हाइपरबोला कहते हैं। हाइपरबोला, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये बेसिकली क्या बताती है बच्चों? जैसे मैं कोई इलिप्स की फॉर्म में ही बात करूं, ठीक है, तो एसेंट्रिसिटी ये बताती है कि इलिप्स की कितनी अमाउंट होगी इस शेप के अंदर। इलिप्स की कि जैसे इलिप्स पिचकी हुई है, इलिप्स उभरी हुई है, जैसे एक इलिप्स ये है, एक इलिप्स ये बन गई, एक इलिप्स में ये बना दूं, ठीक है, इलिप्स की कितनी अमाउंट एक तरीके से ये कह सकते हैं। ठीक है, कितनी इलिप्स की प्रॉपर्टी है एसेंट्रिसिटी। यहाँ पे अगर मैं इलिप्स के केस की बात कर रही हूँ तो क्या बताती है कितनी इलिप्स की प्रॉपर्टी है इसके अंदर, नोट कर लो, फिर इसको आगे डिस्कस करते हैं।
कितनी इलिप्स की इसके अंदर प्रॉपर्टी है अमाउंट, ये नोट कर लिया बच्चों, हो गया। अब बात करते हैं बच्चों, तो हमें क्या, हमने क्या बताया कि एवरी प्लेनेट जो है अराउंड द सन वो इलेक्ट्रिकल पाथ में क्या कर रहा है बच्चों, रिवॉल्व कर रहा है। जैसे ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल पाथ है बच्चों, ठीक है। अब ये बच्चों हमारे पास सन है, तो जो सन है ना बच्चों यहाँ से जो रिवॉल्व करता है, तो सारे प्लेनेट्स जो है हमेशा सन जो है ना इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होता प्लेनेट से, कभी प्लेनेट सन के क्लोज होते हैं सभी, कभी प्लेनेट सन के दूर होते हैं। प्लेनेट जब सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि प्लेनेट एक पर्टिकुलर से वहाँ पे होते हैं, डिस्टेंस पे होते हैं, एक इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। कभी तो प्लेनेट सन से दूर होते हैं और कभी प्लेनेट सन के नज़दीक होते हैं। जैसे बच्चों ये सन है, ठीक है, तो सन के ये वाला एक्सिस नज़दीक है, और जैसे प्लेनेट यहाँ है, तो अगर प्लेनेट यहाँ कहीं है, तो अगर प्लेनेट यहाँ है तो सन से दूर है बच्चों, ठीक है। तो प्लेनेट जो है बच्चों हमेशा सन के इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होते सन से, ये प्लेनेट कोई भी प्लेनेट जैसे अर्थ कह दूं मैं या कोई भी प्लेनेट कह सकते हो आप, ठीक है। अब जैसे मैं ये कहूँ बच्चों यहाँ पे आपके पास कि ये आपके पास कैपलर ने इतना कहा कि जो एवरी प्लेनेट इलेक्ट्रिकल पाथ में जो है अराउंड द सन क्या करता है बच्चों, मूव करता है इसके अंदर, ठीक है। जैसे मैंने कहा बच्चों ये सन है, यहाँ से मैं अगर एक्सिस की बात करूँ, ठीक है, जैसे मैं ये कहूँ कि ये एक पॉइंट है, जैसे ये कोई पॉइंट है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगी, ए इंटू ई, ठीक है, ए इंटू ई इंटू जीरो, कोऑर्डिनेट ऐसे निकालते हैं। अगर मैं इसकी निकालूंगी तो माइनस ए इंटू जीरो, अगर मैं इसकी कोऑर्डिनेट निकालूँ, ये टोटल डिस्टेंस बच्चों ए है, मुझे ये आर डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, तो इसको मैं आर वन कह दूँ, इसको मैं थोड़ी देर के लिए आर टू कह दूँ, तो मैं आर वन को क्या लिख सकती हूँ बच्चों, यहाँ से ए माइनस का ए, ए बाहर वन माइनस का ई, इसी तरह मैं आर टू को क्या लिख सकती हूँ बच्चों, यहाँ से ए प्लस का ए ई, ठीक है। आर टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ए प्लस में ये ए इतनी तो, और ये ए ई माइनस का ए, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये क्या थी ए, और इसमें से ए ई घटा दिया मैंने, ठीक है, तो ये क्या बन गई ए। अब ये इतनी ए है और इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये क्या बन जाएगी ए, और ये इतनी डिस्टेंस क्या आपकी ए, इस कोऑर्डिनेट ए माइनस का माइनस ए माइनस माइनस का ए, आप समझ आ गए, ए प्लस में ए, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ए इंटू वन प्लस में ए, ठीक है। इतना थोड़ा ध्यान रखना बच्चों, मैं ये इक्वेशंस यूज करूंगी आपके पास, नोट करो इस पॉइंट को। एक बच्चों जो हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आपके पास, इक्वेशन ऑफ कोनिक, ये थोड़े से डायरेक्ट यूज हो रहे हैं, इक्वेशन ऑफ कोनिक, इक्वेशन याद रखना, ठीक है। कोनिक क्या होती है, इक्वेशन एल बाई आर इज इक्वल टू वन प्लस में कोस थीटा, तो एल की वैल्यू होगी बच्चों वन प्लस में कोस थीटा इंटू में आर। एक इस इक्वेशन का भी बच्चों मैं यूज करूंगा, ठीक है, नोट कर लो एक बार इसको जल्दी से। यहाँ ऐसे इस कोऑर्डिनेट की बात करो इस पॉइंट पे, तो ये बन जाएगा जीरो इंटू बी, अगर इस कोऑर्डिनेट की बात करो तो जीरो इंटू बी, सॉरी जीरो, हाँ जीरो इंटू माइनस बी, ठीक है, नोट कर लो जी, हो गया नोट बच्चों। अब देखो बच्चों हो गया, ये ध्यान रखना बच्चों, ये इक्वेशन यूज में आएंगे। अब देखिए बेटा यहाँ से अब मैंने क्या कहा कि सन जो है बच्चों हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होता, सन जो है ये इलेक्ट्रिकल पाथ है, सन प्लेनेट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होता, ये सन है बच्चों, अगर प्लेनेट यहाँ है यहाँ प्लेनेट है, ठीक है, तो सन के नजदीक है बच्चों, अगर प्लेनेट यहाँ से है यहाँ पे है तो सन से दूर है, अगर प्लेनेट या अर्थ की बात कर रही हूँ तो मैं अर्थ है, अगर अर्थ यहाँ है तो सन से क्या है बच्चों, दूर है। तो प्लेनेट जो है बच्चों हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होते आपके पास सन के, ठीक है, तो जो ये सन के जो नजदीक वाली जो पॉइंट है, ये वाला जब वो नजदीक है सन के, कोई भी प्लेनेट जो सन के नजदीक है, पी मतलब प्लेनेट के लिए बच्चों, ई अर्थ लिख लो या प्लेनेट लिख लो, तो इस पॉइंट को बोलते हैं बच्चों पेरिहीलियन, पेरिहीलियन, ठीक है, क्या बोलते हैं, पेरिहीलियन,
या पैरीजी, इसको बोलते हैं बच्चों यहां पे एपिहीलियन, एपिहीलियन। या एपोजी, एपो जी भी बोलते हैं, एपिहीलियन, या फिर क्या बोलते हैं बच्चों, एपोजी। स्पेलिंग होती है बच्चों APHELION, स्पेलिंग मिस्टेक होती है, ठीक है। एपिहीलियन, एपोजी या पेरिहीलियन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों इसके अंदर, आपके पास ये ध्यान रखना, इसको एपोजी या पैराजी याद रख सकते हो आप लोग, ठीक है। जब जब प्लेनेट सन से, जो प्लेनेट वाले अर्थ आपके पास, जब प्लेनेट सन से दूर है तो उस पॉइंट को बोलते हैं एपोजी, और जब प्लेनेट सन के नजदीक है तो उसको बोलते हैं पेरिहेलियन, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो ये डिस्टेंस है तो ये आर मैक्सिमम कहलाएगी, और जो ये डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगी, आर मिनिमम। मैं कह सकते हो इस डिस्टेंस को बच्चों, देखो ये ज्यादा है ना सन से, तो इसको मैं मैक्सिमम कह दूं, ये सन के नजदीक है तो इसको क्या कह दूं मैं, मिनिमम। तो कई बार यहां से रेशियो पूछ लेते हैं। रेशियो को निकालने का तरीका बच्चों मैंने आप लोगों को बताया, जैसे आपके पास मैंने कहा था कि अगर ये डिस्टेंस है आर मैक्सिमम, तो इसको क्या लिख सकते थे आप लोग, आर इंटू ए इंटू वन प्लस ई आर वन, जो जिसको आप आर वन कह रहे थे, आर वन मैं आर मैक्सिमम के बराबर लिख दूं, तो ये वैल्यू होगी आपके पास ए इंटू वन प्लस में ई, अभी जो बताई थी। आर टू को मैं आर मिनिमम कह दूं, आर मिनिमम क्या हो जाएगी, ए इंटू में वन माइनस का ई हो जाएगी यहां से, ठीक है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। दूसरा बच्चों, इसको करने का तरीका क्या होता है, अभी जो मैंने बताया, ये तो जनरली मैथमेटिकल कैलकुलेशन से लिख देते हैं बच्चों आप लोग, ठीक है। जनरली हमारा जो मेन कंसेप्ट होता है वो इक्वेशन ऑफ कोनिक से होता है, इक्वेशन ऑफ कोनिक ये होती है बच्चों एल बाई आर वन प्लस में कोस थीटा, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, आर इंटू वन प्लस में कोस थीटा, ठीक है। ये जो वैल्यू है वन प्लस ई कोस थीटा होती है बच्चों, ई कोस थीटा, ई कोस थीटा, ये असेंट्रिसिटी को बताते हैं, बाकी ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चों एट पेरिजी, एट पेरिजी, ठीक है, तो ये यहां से देखो बच्चों इस चीज को, इक्वेशन, जैसे मुझे ये एंगल मेजर करना है, देखो ये एंगल आपके पास थीटा है, और ये एंगल भी आप क्या कह सकते हो 180 माइनस थीटा, पूरा एंगल कितना बनेगा आपका 180, ठीक है। एंगल हमेशा बच्चों इस एक्सिस से इधर मेजर करेंगे, सन की साइड से, सन की साइड से क्या करेंगे एंगल को आप लोग मेजर करेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चों एट पेरिजी की बात करूं, ठीक है, तो जो एंगल की जो वैल्यू होगी आपके पास यहाँ पे, तो यहां से अगर मैं थीटा की वैल्यू बात करूं बच्चों, तो इधर मैं अगर मैं इधर आ जाऊं, कहां पे आ जाऊं मैं, पेरिजी, ये पेरिजी थी, ये सन था, ये क्या थी, पेरिजी, तो यहां से थीटा क्या बन गया, इधर आके जीरो। अगर मैं इतनी जितर इतनी बढ़ती जाऊंगी उतना ही थीटा क्या बन जाएगा, 180 डिग्री। अगर मैं इस एक्सिस को ऐसे बनाऊं, देखो ये मेरे पास एक्सिस है, ये सन है बच्चों और ये पॉइंट है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे हो, ठीक है, ये आपकी है पेरिजी, पेरिजी ये है एपोजी, ठीक है। अब यहां से एक बात समझना कि ये थीटा है, ये आपके पास इधर बढ़ता 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 पूरा 180 डिग्री हो जाएगा, ये पूरा एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। सिर्फ इतने से एंगल की बात करूं तो ये सिर्फ इतना से एंगल कितना थीटा है आपके पास, तो मैं इस चीज को देखो यहाँ पे ये समझा रही हूँ कि ये पूरा एंगल जो बना, अब यहां से अगर मैं हटा दू तो इस पॉइंट से, तो अगर मैं इधर से मेजर कर रही हूँ तो इधर से इधर ये पूरा 180, सिर्फ इस पॉइंट के लिए कितना हो, जीरो। तो पेरिजी पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, जीरो। और ध्यान रखना कभी इधर से मेजर नहीं करेंगे, इधर से सन के साइड से मेजर करेंगे, ठीक है, प्लेनेट के साइड से नहीं, क्योंकि हमेशा हम लोग क्लॉकवाइज सिचुएशन को देखते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ क्या है, क्योंकि आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा क्या हो जाएगा आपका, जीरो। थीटा जीरो है तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इंटू वन प्लस में ई, और ये आर मिनिमम होगा क्योंकि ये डिस्टेंस मिनिमम है, ठीक है। एट एपोजी पे बात करें, एपोजी
कितना हो गई थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। देखो यहां से बढ़ते हुए इधर जा रही है, यहां से बढ़ते बढ़ते यहां पे ये अपोजी होगा, तो ये थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एल की वैल्यू लिखेंगे बच्चों आर मैक्सिमम, हमेशा एंगल ध्यान रखना बेटो, ये मेजरमेंट की तरीका है कि सन की साइड से ही एंगल क्या करते हैं मेजर करते हैं। क्या होगा आर इज इक्वल टू 1 माइनस ए, ठीक है। तो अब यहां से इनको डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करोगे बच्चों तो ये यहां से क्या मिल जाएगा आपको, एंगल हमेशा बच्चों सन की साइड से मेजर करेंगे, ठीक है। तो आपके पास एल इज इक्वल टू एल बाई आर क्या बनेगा, 1 इज इक्वल टू इनको डिवाइड कर दो 1 बाई 1 आर मिनिमम आर मैक्सिमम इंटू 1 माइनस ई इंटू 1 प्लस में ई, इसको कर लो तो आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाई आर मिनिमम 1 माइनस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस में ई। उल्टा आ गया भाई, तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या, वन एल एल मैक्सिमम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एल मिनिमम, मिनिमम मैक्सिमम कहीं कुछ गलत लिख गया क्या भाई, अरे गलत लिख गया ना, आर मिनिमम के साथ प्लस आएगा भाई यहाँ पे ये, और इसके साथ मिनिमम, तो ये आएगा ऊपर आपका प्लस और ये ऊपर 1 माइनस। ये ध्यान रखना जब मैक्सिमम होगा तो ऊपर प्लस आएगा, मिनिमम होगा तो नीचे माइनस। अब ये चीजें आप बच्चों कई बार बुक्स में इस इंडिकेशन से भी बताया गया है, जैसे मैंने अभी बताया ना कोऑर्डिनेट निकाल के बताया था, अभी मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास ये एक्सिस है, मान लो यहाँ से ये पॉइंट ले रहे हो, ठीक है, मैंने ये कहा, मैंने कहा आप ये पॉइंट मेजर कर रहे हो, तो ये डिस्टेंस क्या होगी ए, इसको मैं आर वन कह दूं, तो पूरी क्या है आपके पास यहाँ से ये ए, तो इसको ए ए को क्या लिख, अगर यहाँ नजदीक है दूर है तो बच्चों थोड़ा ये हो जाए दूर के लिए लिख लो, ठीक है। अच्छा उसी के हिसाब से करके बता देते हैं, देखो जैसे ये सन है, ठीक है, अगर आप इस पॉइंट की बात कर लो, ठीक है, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, तो ये आपका मिड हो गया, तो पूरी डिस्टेंस कितनी है बच्चों ए, ठीक है, ये पॉइंट आ गया ए इंटू ई, अभी करके बताया, तो ये डिस्टेंस मैं आर वन कह दूँ, तो आर वन को क्या लिख सकते हो ए माइनस का ए ई, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी ए इंटू 1 माइनस ई। इसी तरह मान लीजिए यहाँ पे हो, तो ये पॉइंट कितना है माइनस का ए ई, तो क्या लिख सकते हो इसको आर टू मान लो यहाँ से, तो क्या लिख सकते हो ए, ये इतनी ए, ठीक है, और ये ए माइनस माइनस का ए ई, ए माइनस माइनस का ए ई, आर टू कितनी आ गई थी ए इंटू ए प्लस ए, ठीक है, तो आर टू कितनी आ गई बच्चों ए इंटू 1 प्लस, अभी करके बताई थी मैंने आपको, तो जो ज्यादा उसको मैक्सिमम कह दोगे, जो कम है उसको मिनिमम कह दोगे, ठीक है। अभी मैंने ऐसे कुछ पर्टिकुलर तो कहा नहीं, मैंने तो बस पॉइंट मान लिया आपके पास ये, तो आपके पास जो ज्यादा वैल्यू उसको कम, ये सन तो यहाँ है बच्चों एक्चुअल में, तो टोटल डिस्टेंस तो ये बनेगी यहाँ से आपके पास, ठीक है। तो अब आप जो ज्यादा उसको मैक्सिमम कह दोगे, मैक्सिमम प्लस वाली होगी मिनिमम माइनस वाली, अभी करके बताई थी मैंने आप लोगों को, ठीक है, इसको नोट करो बच्चों, एक बार इसको नोट करो जल्दी से। अब इसी पॉइंट को मैं स्पीड में भी गेम यूज करूँ, इसको नोट कर लो जल्दी से, हो गया बच्चों क्लियर। आगे देखो, अब बात करते हैं बच्चों कैपलर सेकंड लॉ की। कैपलर्स का जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है बच्चों, कि जो प्लेनेट है ना वो इक्वल स्पीड से मूव नहीं करते अराउंड द सन, वो सन के पास होते हैं तो कोई और स्पीड होती है, और जब सन के दूर होते हैं तो बच्चों वो और, तो कैपलर सेकंड लॉ, सेकंड लॉ, कैपलर सेकंड लॉ क्या कहता है बच्चों, प्लेनेट डू नॉट रिवॉल्व, प्लेनेट्स प्लेनेट डू नॉट रिवॉल्व, नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन, अराउंड द सन, प्लेनेट डू नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन इन विद कॉन्स्टेंट स्पीड, विद कॉन्स्टेंट स्पीड, प्लेनेट जो है बच्चों सन के चारों तरफ कॉन्स्टेंट स्पीड से रिवॉल्व नहीं करते, प्लेनेट मूव फास्टर व्हेन दे आर, प्लेनेट्स मूव फास्टर व्हेन दे आर मूव
क्लोजर या नियर टू द सन लिख लो, नियर टू द सन, एंड स्लो, एंड स्लो व्हेन स्लो वो करते हैं व्हेन दे आर फार्दर अवे फ्रॉम द सन, आर फार्दर अवे फ्रॉम द सन, फ्रॉम द सन। प्लैनेट्स जो है बच्चों, जो कोई भी प्लैनेट, एक पर्टिकुलर प्लैनेट की बात कर ले आप लोग, तो कोई भी प्लैनेट जो है सन के जो पास होता है बच्चों वो फास्टर मूव करता है, और सन के जो दूर होता है तो वो स्लो मूव करता है। ठीक है, अगर आप एक प्लैनेट की बात करते हो आप ये लिख सकते हो, प्लैनेट मूव फास्टर व्हेन इट इज प्लैनेट, एक प्लैनेट के लिए बात, क्योंकि मैंने कोई भी प्लैनेट के लिए बात कर ली, प्लैनेट प्लैनेट्स मूव फास्टर व्हेन इट इज, अगर एक सिंगल के लिए बात करते हो तो व्हेन इट इज नियर टू द सन, एंड स्लो व्हेन इट इज फार्दर अवे फ्रॉम द सन, अगर एक सन के लिए बात, इट इज बाकी एक सन के लिए सभी प्लैनेट के लिए वैलिड है, बाकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन में आप कह सकते हो कि ये सन है, इसके चारों तरफ एक कोई भी प्लैनेट घूम रहा है, वैसे बहुत सारे प्लैनेट घूम रहे हैं, ठीक है, तो आप जनरल कह सकते हो कोई भी प्लैनेट जो सन के नजदीक है बच्चों तो फास्टर मूव करेगा। जैसे मैं ये कहूँ, अभी जो मैं आपको समझा रही थी कि ये आपके पास इलेप्टिकल ऑर्बिट है, ये सन है बच्चों, ठीक है, जब प्लैनेट सन के दूर है, ठीक है, जैसे प्लैनेट यहां है पेरिजी पे, पेरिजी या पेरिहेलियन, और ये अपोजी है, ठीक है, अपोजी, अपोजी पे होगा तो स्लो मूव करेगा, प्लैनेट्स कैसे मूव करेगा, स्लो, और जो पेरिजी पे होगा तो बच्चों फास्ट मूव करेगा, कैसे मूव करेगा, वो फास्ट मूव करेगा, ठीक है। वैसे आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे स्पीड कुछ भी V1, ये स्पीड V1 मान लो या V2, ठीक है, ये नोट करो जल्दी से बोलो, फिर आगे बढ़ो। दूसरा ये लोग क्या कहते हैं, नोट कर लिया, इधर से लिख लिया बच्चों, डायग्राम लिख लिया, 1 2 3 लिख लिया। दूसरा ये क्या कहता है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लेनेट कॉन्स्टेंट, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लेनेट कॉन्स्टेंट, एल क्या रहेगा बच्चों, कॉन्स्टेंट रहेगा, अभी तो थोड़ी देर बाद बताऊंगी कैसे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है बच्चों, कि जो एरियल वेलोसिटी है ऑफ द प्लेनेट इज कॉन्स्टेंट, अभी समझाऊंगी सारी बातें मैथमेटिकली भी, द एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट, ऑफ द प्लेनेट कॉन्स्टेंट, एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट क्या रहती है बच्चों, कॉन्स्टेंट रहती है, इट मीन्स प्लेनेट, ऐसे लिख लो, ए प्लेनेट स्वीप आउट, स्वीप मतलब बच्चों फैलना, स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ए प्लैनेट स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, अराउंड द सन, इक्वल एरिया अराउंड द सन, अराउंड द सन। एक बार आप पॉइंट ये बच्चों लिख लो, क्या कहता है ये लोग कि प्लेनेट के चारों, सन के चारों तरफ जो भी प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं बच्चों इक्वल स्पीड से मूव नहीं करते, जो सन के पास होते हैं तो फास्टर मूव करते हैं, जो सन से दूर होते हैं तो स्लो मूव करते हैं। फिर दूसरा इसी से हम आगे प्रूव करेंगे बच्चों कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लेनेट क्या रहता है, कॉन्स्टेंट, या दूसरी डेफिनेशन द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट कॉन्स्टेंट, या एरियल वेलोसिटी कॉन्स्टेंट का मतलब क्या बच्चों कि ए प्लेनेट स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे एक प्लेनेट में एक सेकंड में एक जितना कवर, जैसे ये आपके पास प्लेनेट है, ठीक है, एक सेकंड में इसने इतना एरिया कवर करा, तो अगले एक सेकंड में वो इतना ही एरिया क्या करेगा, कवर करेगा, अगले एक सेकंड में वो इतना ही एरिया कवर करेगा,
नोट करिए बच्चे वो जल्दी से, ऊपर लिख दो, थोड़ा लिख लिया होगा ना ऊपर से, हो गया ऊपर से हो गया बच्चों। अब देखो एक बार यहाँ से, इसको मैं यहां से ऐसे लिख लो मैथमेटिकली, मैंने कहा एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब बच्चों डीए बाई डी टी, डीए बाई डी टी क्या एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी तो क्या हो जाएगा डीए बाई डी टी क्या बच्चों आपकी कांस्टेंट, ये लिखा मैंने। जैसे आपके पास कोई भी प्लेनेट है बच्चों, ये सन है, ये प्लेनेट यहाँ है या यहाँ पे नजदीक है या दूर है आई डोंट नो, ठीक है, लेकिन जितना एरिया वो दूर होगा जब कवर करेगा उतना एरिया वो पास होगा जब कवर करेगा, हालांकि जो पास होता है वो फास्टर मूव करता है, यहाँ पे कैसे मूव करेगा वो फास्टर, जो दूर होगा, दूर होगा तो स्लो मूव करेगा, लेकिन जितना एरिया वो ये कवर करेगा उतना एरिया वो ये कवर करेगा, क्यों बच्चों देखो एरिया का इक्वल है, मतलब ये डिस्टेंस ज्यादा होगी तो ये डिस्टेंस कम होगी, अब इसमें ये डिस्टेंस कम है तो ये वाली डिस्टेंस ज्यादा होगी, ठीक है मैं अच्छे से बनाऊं एक बार, हम बात करते हैं इलिप्स, ठीक है, तो ये सन है, ठीक है, ये सन के नजदीक है प्लेनेट और ये सन से सेंटर से दूर है बच्चों, तो जितना ये यहां से यहां तक एरिया कवर करेगा या यहां से यहां, मान लो एक सेकंड में अगर ये यहां इतना चला तो यहां भी इतना ही चलेगा एरिया, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है बच्चों, ठीक है, इक्वल टाइम एरियल एरिया कांस्टेंट नहीं है, जैसे मैं इसको एरिया ए वन कह दूं, ये एरिया ए टू कह दूं, मैं ये एरिया आपके पास ए थ्री कह दूं, ठीक है, तो जैसे टाइम टी वन वन सेकती है टी वन, तो टी वन टाइम में जितना ये एरिया कवर करेगा उतना ये इतना ही ये, तो मैं एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मैं कह सकती हूँ ए वन बाई टी वन बराबर ए टू बाई टी वन बराबर ए थ्री बाई टी वन, ठीक है, तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी बच्चों, ठीक है, एरिया डिफरेंस हो सकता है कि ये हो सकता है कि ए वन नॉट इक्वल टू ए टू नॉट इक्वल टू ए थ्री, लेकिन एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी कि एक सेकंड में, एक सेकंड में कहने का मतलब जितना एरिया ये कवर करेगा उतनी एक सेकंड में ये कवर करेगा, सेकंड मतलब एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी मतलब बच्चों एरिया अपॉन टाइम, एरिया अलग हो सकता है यहाँ पे, एरिया बच्चों यहाँ पे अलग हो सकता है लेकिन एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, एरिया इक्वल भी हो सकता है लेकिन अलग, लेकिन एक सेकंड में जितना ये एरिया कवर करेगा उतना एरिया ये कवर करेगा, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, एक सेकंड की बात कर रहा है बच्चों, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी मतलब एरिया अपॉन टाइम, ठीक है, ये नोट करिए बच्चों, हो गया। अब ये भी कह सकते हो, मान लीजिए टी टू टाइम है, ये कहता है कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, तो ये टू 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 हो गया, ये टी थ्री हो गया, एरियल वेलोसिटी टाइम इंटरवल, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, एरिया जैसे डिफरेंट डिफरेंट हो गया, टाइम भी डिफरेंट डिफरेंट हो गया, तो लेकिन एरियल वेलोसिटी इनकी क्या रहेगी कॉन्स्टेंट, उस एक सेकंड के लिए, उस एक सेकंड के लिए एरियल वेलोसिटी क्या रहेगी बच्चों कॉन्स्टेंट, नोट कर लो जल्दी से, ऐसे भी इसके प्रूफ की कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, कैसे उसको कह रहे हैं, अब इसके प्रूफ को निकालते हैं बच्चों, ठीक है, नोट कर लिया, देखो प्रूफ, देखो ये वाला प्रूफ, प्रूफ क्या कहता है बच्चों आपके पास, जैसे मैंने कहा बच्चों कि जब ये प्लेनेट सन के पास है तो ये इतना एरिया कवर कर रहा है, जब ये सन से दूर है तो ये एरिया कवर कर रहा है, ये सन है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, उस एक सेकंड में जितना एरिया ये कवर करेगा उतना एरिया बच्चों ये होगा, क्योंकि यहां पे देखो एरिया ज्यादा है लेकिन डिस्टेंस कम होगी, जैसे ये डिस्टेंस देखो, इसमें अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, उस एक सेकंड में बच्चों मैंने कहा ये दोनों एरिया बराबर होंगे, कैसे होंगे, क्यों, उस एक सेकंड के लिए, कैसे बच्चों, जैसे आपके पास अगर ये यहाँ पे ये डिस्टेंस कम है, यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस क्या है कम, ये डिस्टेंस कम है तो ये डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा है, इसी तरह यहाँ पे ये डिस्टेंस ज्यादा है ये कम है, जैसे मैं इसको पांच कह दू,
इसको मैं 3 कह दूं, इसको मैं 5 कह दूं, ठीक है, इसको मैं 5 कह दूं, इसको 3 कह दूं, उसे एक सेकंड के लिए, इसलिए एरिया क्या रहेगा बराबर, समझाने के लिए जस्ट बच्चों, और कुछ नहीं, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन दोनों का बराबर है, उस एक सेकंड में जितना एरिया ये कवर करेगा उतना, क्यों बच्चों, इसीलिए क्या होता है ये, यहाँ पे स्पीड अलग अलग होगी, यहाँ पे कैसे मूव करेगा वो फास्टर, और यहाँ पे कैसे मूव करेगा प्लेनेट आपका स्लो, कैसे मूव करेगा स्लो मूव करेगा पेरिहेलियन, एपोजी पे, सॉरी, ठीक है। अब निकालते हैं बच्चों एरिया, एरिया कैसे निकालेंगे बच्चों, वाले मैं इसी एक ट्रायंगल को उठा लू, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालू, अलग से निकाल लू ट्रायंगल को, तो ये डिस्टेंस मान ली बच्चों आपके पास आर है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, ये डिस्टेंस आपके पास आर है, ये ट्रायंगल आपने बाहर निकाल ली, ठीक है, ये डिस्टेंस आर है, ये एच हाइट है, ये यहां तक की डिस्टेंस आपकी आर है, ठीक है, ये एच है। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये पूरा एंगल कितना होगा 180 डिग्री, अगर मैं इस एंगल को क्या कह दू यहाँ पे थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, आप कोई सा भी मान सकते हो उसमें, ठीक है, सॉरी भी मैं यहां से कर, अच्छे तो आपको लग रहा होगा मैंने परपेंडिकुलर ड्रा दिया, आप यहां से इसको ऐसे डालो, ठीक है, अब समझ आ जाएगा जनरल, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना मान लिया 180 माइनस का थीटा मान लिया, ठीक है, अब मैं इसको ऐसे ही मान रही हूँ, ये आपके पास ऐसे ध्यान रहेगा, अब आपके पास ये एंगल कितना माना आपने थीटा, तो ये एंगल कितना है 180 माइनस का थीटा कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस, इस ट्राइंगल को निकालो बच्चों यहाँ से, नहीं बार बाहर आपके पास ये ट्राइंगल है, इस ट्रायंगल से आप लोग बात कर रहे हो, तो ये बन जाएगी बच्चों यहाँ से आपके पास ऐसे, ठीक है, ये आपने यहाँ से निकाल लिया एक बार, और ये आपका परपेंडिकुलर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये एंगल मान लिया बच्चों आपके पास क्या है थीटा, तो ये एंगल बन गया 180 माइनस का थीटा, तो ये है आपके पास एच हाइट, और ये जो डिस्टेंस होगी बच्चों ये वाली डिस्टेंस, ये आपके पास R है, तो आपके पास जो ये डिस्टेंस होगी ये वाली, ये हो जाएगी v इंटू डी टी, क्योंकि v वेलोसिटी से चल रहा है, डी टी टाइम में वो कितना चला, v वेलोसिटी से चल रहा है और डी टी टाइम में कितना चला आपके पास, ठीक है। तो अब आपको यहां से आप क्या कह सकते हो बच्चों इस चीज को, सॉरी बच्चों मैं ये गड़बड़ कर गई यहाँ पे, ये नहीं, ये परपेंडिकुलर डाल रहे हैं ना यहाँ से आप लोग, ये आपके पास एच हाइट है, ये एंगल तो 90 डिग्री, ये एंगल थीटा है और ये एंगल है 180 माइनस थीटा, ठीक है, ये एच हाइट, ये तो एच परपेंडिकुलर डाला ना आपने यहाँ पे, सॉरी बच्चो ये परपेंडिकुलर डाला ना आपने एच, तो आप इसको देखिए, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना हुआ 180 माइनस थीटा, वो आपको इसे को मान लो, इसको थीटा 180 माइनस थीटा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है बच्चों क्या हो जाएगी वी इंटू डी टी, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ से क्या था बच्चों, ये पढ़ रहे थे बीच में बच्चों को लागे किसी का ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से एरिया क्या होता है बच्चों, यहाँ से इसको निकाल लो बच्चों, साइन थीटा निकाल लो, साइन थीटा क्या बन जाएगा बेटा, ये एच अपॉन में वी डी टी, ये वी डी टी कैसे लिखा बच्चों, जब वो यहाँ से यहाँ पहुँचा, ठीक है, तो टी टाइम वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, मान लीजिए डीटी टाइम में वो यहाँ से आ गया, ठीक है, तो ये बना बच्चों यहाँ से एच इज इक्वल्स टू वी डी टी साइन थीटा। तो अब आपके पास इतना बच्चों एरिया की वैल्यू क्या होगी, बेस इनटू हाइट, बेस एरिया क्या होता है बच्चों, बेस इनटू हाइट, वन बाई टू बेस, बेस क्या है बच्चों आपके पास यहाँ पे आर, ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों यहाँ से आपकी आर, ठीक है, एच हाइट कितनी है बच्चों वी डी टी साइन थीटा, वी डी टी साइन थीटा, ठीक है। एरिया को डी ए से लिख दूँ मैं, क्योंकि स्मॉल के लिए एरिया भी हो जाएगा, वन बाई टू आर इंटू वी डी टी साइन थीटा, तो डी ए बाई डी टी
is equals to 1 by 2 r v sin theta, r v sin theta. ठीक है, अब आप लोगों को पता है बच्चों एंगुलर मोमेंटम l क्या होता है, r क्रॉस p, क्या लिख सकते हो r p sin theta, क्या आपने पढ़ा है. ठीक है, तो यहाँ से l इज इक्वल्स टू आर पी की वैल्यू बच्चों एम वी साइन थीटा. यहाँ से बच्चों मैं किसकी वैल्यू निकाल रही हूँ, यहाँ से v साइन थीटा की वैल्यू, तो v sin theta की वैल्यू बच्चों r अपॉन में l अपॉन में m r, l अपॉन में m r, l की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ से आपकी इसको हटा दो बच्चों, तो ये बनेगा आपके पास डी ए बाई डी टी 1/2 आर वी, वी साइन थीटा की वैल्यू बच्चों ये पुट कर दो एल अपॉन में एम आर, आर से आर कैंसिल, तो डी ए बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी एल बाई टू. एंगुलर मोमेंटम क्या है बच्चों आपका, कॉन्स्टेंट. मैंने कहा था ये एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट कैसे, अभी बताते हैं, उसको नोट करो जल्दी से. ठीक है, नोट कर लिया बच्चों, हो गया. अब देखो बेटा, अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ से देखो एक बार आप समझो, ये इलेप्टिकल ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है आपका. ठीक है, ये डिस्टेंस फोर्स इधर लग रहा है, रेडियस भी इधर है, फोर्स भी इधर लग रहा है बच्चों, आर डिस्टेंस भी इधर लगी, सेंट्रीपेटल फोर्स ये लगेगा ना सन और प्लेनेट के बीच में, सेंट्री ग्रेविटेशनल फोर्स, सन और प्लेनेट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी बच्चों इधर है, आर भी इधर है, तो टॉर्क क्या होता है बच्चों आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन 180, थीटा वन थीटा जीरो कह दो या 180 कह दो. ठीक है, तो क्या बनेगा बच्चों टॉर्क की वैल्यू, सॉरी 180 बनेगा, क्योंकि बच्चों आर इधर है, आर तो यहाँ से इधर जा रहे हैं और एफ इधर है, तो 180 डिग्री एंगल बनेगा. अरे आर तो यहाँ से यहाँ जाएंगे और ये इधर लग रहा है, आर तो इधर गए और एफ इधर, तो 180, तो क्या बना बच्चों जीरो, टॉर्क जीरो होता है बच्चों. ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डी एल बाई डी टी, ये रिलेशन हमने पढ़ा था फिफ्थ यूनिट में, तो डी एल बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी बच्चों यहाँ पे जीरो, एल क्या होगा बच्चों यहाँ पे कॉन्स्टेंट, एल की वैल्यू क्या होगी बच्चों यहाँ पे कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, इस केस में मैंने क्या लिखा था, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा कांस्टेंट, कांस्टेंट है बच्चों. और देखो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो मास तो कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, क्या कह सकते हैं एरियल वेलोसिटी क्या रहेगी कांस्टेंट. ठीक है, नोट करिए बच्चों, तो यही बातें मैंने लिखी थी कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी, जब वो पास दूर होगा तो स्पीड स्लो होगी और जब वो पास होगा तो स्पीड फास्ट होगी. ठीक है, ये था बच्चों आपका कैपलर का सेकंड. अब बात करते हैं कैपलर थर्ड लॉ, नोट करिए जल्दी से. अब यहां से बच्चों हम स्पीड भी निकाल लेते हैं कई बार. ठीक है, कई बार कंपटीशन में यहां से स्पीड के फॉर्मूले आते हैं आपके पास. मैंने क्या कहा कि जब प्लेनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, जो सन के पास होते हैं तो स्पीड फास्ट होती है और दूर होते हैं तो स्पीड स्लो होती है. यही बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग. तो यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा बच्चों, ये सन है, तो ये है बच्चों आर मैक्सिमम, ये है बच्चों आर मिनिमम. ठीक है, तो अभी मैंने आपको एक रिलेशन निकलवाया था बच्चों कि आर मैक्सिमम, इसको क्या लिख सकते हो, आर मैक्सिमम को ए इंटू वन प्लस ई, और आर मिनिमम को ए इंटू वन माइनस ई. या मैंने लेटेस्ट कोनिक वाला कंसेप्ट बताया था, एल इज इक्वल टू आर वन प्लस ई कोस थीटा. ठीक है, तो अगर थीटा की वैल्यू बच्चों जीरो है, इसके पैरी दिन थीटा जीरो हो जाएगा, तो एल की वैल्यू एक बार आर क्या बन जाएगी, वन प्लस ई, और एल की वैल्यू आर मिनिमम और ये आर मैक्सिमम वन माइनस ई, ये मैं आपको बता चुकी हूँ. इनको जब डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आता है, आर मैक्सिमम अपॉन आर मिनिमम की वैल्यू वन प्लस ई डिवाइडेड बाय वन माइनस का ई. ठीक है, या मैं यहाँ से भी ये चीजें कह सकती हूँ, ये आर वन और ये आपका आर टू. अगर मैं बात करूँ बच्चों स्पीड की, देखो तो यहाँ पे स्पीड कैसी होगी, स्लो होगी, इसको मैं वी वन कह दूँ,
और यहाँ पे स्पीड क्या होगी बच्चों, फास्ट होगी। स्पीड कैसी होगी बच्चों यहाँ पे, फास्ट होगी, ठीक है। जब वो सन के पास होगा प्लेनेट, तो आपके पास क्या कह सकते हो स्पीड के लिए, एल एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट है बच्चों, तो एल क्या क्या लिख सकते हो कि एल वन बराबर एल टू होगा, एंगुलर मोमेंटम एम वन वी वन आर वन, एम वी टू आर टू, मास तो कॉन्स्टेंट है, वही प्लेनेट है बच्चों, तो एम से एम कैंसिल, तो वी वन बाई वी टू बराबर आर टू बाई आर वन। तो मैं अगर ये कहूँ आर टू हमारी मैक्सिमम है, आर टू मिनिमम है, तो मिनिमम लिख लो, तो क्या लिख सकते हो, ये मिनिमम और ये आपकी मैक्सिमम, आपने किसी को भी क्या रखा है यहाँ पे, ये आर वन, आर वन क्या लिखी हुई आपने मैक्सिमम, आर टू क्या लिखी हुई आपने मिनिमम, कोई भी डिस्टेंस मान लो बच्चों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशो सेम रहेगा। तो यहाँ से वी वन वेलोसिटी, तो देखो यहाँ से वी वन वी मैक्सिमम, इसको वी मिनिमम क्या लिख सकते हो, वन माइनस ई डिवाइड बाई वन प्लस ई, तो देखो वी मैक्सिमम क्या हो जाए यहाँ से, वी वन, वी वन वैल्यू क्या स्लो वाली है यहाँ पे, तो ये बनेगा वी वन बाई वी टू, तो वी वन बाई वी टू, तो वी वन को क्या कहते होगे बच्चों यहाँ से कि वी मैक्सिमम, अरे इसको आप मैक्सिमम ही लिख लो ना, वी वन को क्या लिखा हुआ आपने मिनिमम, इसको क्या लिखा हुआ आपने मैक्सिमम, ऐसे लिख लो, ठीक है। अरे स्लो और फास्ट होगी ना उसी के अकॉर्डिंग, तो ये बना आपका मिनिमम और ये बना आपका मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ से भी ये भी क्या बन जाएगा बच्चों, v मिनिमम डिवाइडेड बाय v मैक्सिमम, तो इन जनरल इस रिलेशन को क्या लिख सकते हैं, v मैक्सिमम ठीक है बच्चों, समझ आ गया, ये नोट करो, ये रिलेशन कई बार आपसे कंपटीशन में पूछ ले जाते हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये v मैक्सिमम ये मिनिमम एसेंट्रिसिटी की फॉर्म में आ गई बच्चों। अगर यहाँ पे मान लें स्पीड का भी कंसेप्ट हो तो एक दूसरी फॉर्म में भी रिजल्ट कई बार यूज हो जाता है, उसको भी नोट करते हैं, नोट कर लिए बच्चों, ओके। अब देखो बच्चों यहाँ से अगर मैं बात करूँ बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, इसकी बात करूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या, ग्रेविटेशन तो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बच्चों लगा सकते हैं, क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों कंजर्वेटिव होते हैं, ठीक है, तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं, तो क्या लगा सकते हैं, यू आई प्लस के आई, यू एफ प्लस में के एफ, ठीक है। अगर अगर मान लें आप इसको इनिशियल कहते हो तो इस पॉइंट पे आप फाइनल कह दोगे, ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो, जी एम एस एम बाई आर वन प्लस वन बाई टू एम वी वन का स्क्वायर, इसी तरह बच्चों इसको वी वन कह दो, इसको वी टू कह दो, आप कहीं रखा है इसमें वी टू, तो ये बना माइनस जी एम एस एम बाई आर टू प्लस वन बाई टू एम वी टू का स्केयर, ठीक है। अब यहाँ से ये एम से एम तो बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल, प्लेनेट का मास, स्मॉल एम क्या है बच्चों, मास ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ प्लेनेट, और एम एस क्या है, मास ऑफ द सन, मास ऑफ द सन, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से बच्चों इसको क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे यहाँ से, तो जो यहाँ से बी वन की वैल्यू है हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं बच्चों कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एल वन बराबर एम टू, एम वन वी वन आर वन, एम टू वी टू आर टू, ठीक है। एम तो सेम है, एम से एम क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि आर वन वी वन बराबर आर टू वी टू, ठीक है। अब आर ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम है बच्चों, देखो ये आर वन मैक्सिमम है, तो आप इसको इस रिलेशन कैसे लिख सकते हो, आर मैक्सिमम वी मिनिमम, आर मिनिमम वी मैक्सिमम, ये आप इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों कि जो वी वन की वैल्यू है, आर वन की जो वैल्यू है वो क्या होती है, ए इंटू वन प्लस ई, और वी टू की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, आर टू की वैल्यू ए इंटू वन माइनस ई इंटू वी टू, ठीक है। ये रिलेशन पढ़ा है ना, आर वन और आर टू की वैल्यू, अरे एक को क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम को वन प्लस ई लिख दो
और मिनिमम को क्या लिख दो, वन माइनस ही, तो ये तो लिखा है मैंने। अब क्या करेंगे बच्चों, यहां से v1 या v2 की कोई भी वैल्यू निकाल लो, या तो v1 निकाल लो या v2 यहां पुट कर दो। अगर आप यहाँ पे भी v1 की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करोगे तो v2 आ जाएगा, अगर v2 की पुट करोगे तो v1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से मैं क्या करूंगी बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो, ठीक है। अब लिख देती हूँ बच्चों, ये नोट लिख लिया होगा ना, ये ध्यान रखना ही, मैं हटा दू इसको, ये आप इधर ध्यान रख लो कि L1 बराबर L2 V1 R1 बराबर V2 R2, ठीक है बच्चों। अब यहां से बेटा क्या करेंगे, तो क्या लिख देंगे, यूजिंग 2 in 1, 2 को क्या करेंगे बच्चों 1 में रख देंगे, तो यहां से V1 की वैल्यू आ जाएगी GMS/R1 1 minus E 1 plus में, और इसी तरह अगर V2 की वैल्यू रखोगे तो GMS/R2 1 plus E 1 minus का। तो ये इक्वेशन भी बच्चों कई बार कंपटीशन में आपसे पूछ ली जाती है, ठीक है। तो जब ये ऊपर माइनस आ रहा है तो बच्चों वो वी मिनिमम है, इसमें कंफ्यूजन मत रखना, और जब मैक्सिमम ऊपर प्लस आ रहा तो वो वी मैक्सिमम, या ऊपर प्लस आ रहा तो वो वी मैक्सिमम है, ऊपर माइनस आ रहा तो वो वी मिनिमम, ये नोट करो बच्चों जल्दी से। अब बात करते हैं कैपलर्स थर्ड लॉ की, कैपलर्स का थर्ड लॉ क्या कहता है बच्चों आपके, जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। कैपलर्स थर्ड लॉ, कैपलर्स थर्ड लॉ ये कहता है बच्चों, कैपलर्स का थर्ड लॉ क्या कहता है बच्चों, यहां से एक बार ये समझिए डायरेक्ट, ये आपके पास सन है, ये इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में प्लैनेट्स घूम रहे हैं बच्चों, ठीक है। बच्चों ये आपके पास कि जो टाइम पीरियड है ये आपके पास क्या होती थी, सेमी मेजर एक्सिस, इलेक्ट्रिकल पाथ में ये जो एक्सिस होती थी ये ए सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। तो कहता है कि जो टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट होगा उसके रूट ऑफ द ए क्यूब, ए क्या होगी बच्चों, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। तो ये है बच्चों यहाँ पे आपके पास सेमी मेजर एक्सिस, सेमी वो कंप्लीट तो मेजर एक्सिस तो आधी है, तो क्या लिखते हैं सेमी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, और ये बी है इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। तो कहता है जो टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। जैसे आपके पास ये कोई भी प्लेनेट है, ये सन है बच्चों, यहाँ पे ये आपके पास सन है, प्लेनेट इसके चारों तरफ जो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे आपके पास ऐसे लिख देते हैं कई बार कि टाइम पीरियड है ये आपके पास R1 टाइम पीरियड, दूसरा प्लेनेट इसके लिए R2, ठीक है। एक्चुअल में बच्चों होता है ये ऐसे भी लिख देते हैं, T² R1 का स्केयर T² R2 का स्केयर, ठीक है, R3। ये इनकी डिस्टेंस नहीं होती बच्चों, ऐसे लिखना गलत होगा। क्या होगा, यहां से ये सेमी मेजर एक्सिस क्या है इसकी, या इस प्लेनेट से इस प्लेनेट की सेमी मेजर एक्सिस क्या है, वो लिखेंगे, ठीक है। और जब रेशियो लिखना हो तो बच्चों दो प्लेनेट है तो T1/T2 का स्केयर A1 का क्यूब डिवाइड बाई A2 का क्यूब, वो न्यूमेरिकल्स में एक बार देख लेंगे। अब इसका प्रूफ क्या कहता है बच्चों, प्रूफ देखिए प्लेनेट का, प्रूफ प्रूफ क्या कहता है बच्चों, प्रूफ के लिए मैंने बताया था कि अर्थ वैसे तो बच्चों इसमें होती, बाकी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी कर सकते हैं, उसका थोड़ा डेरिवेशन अलग हो जाएगा। इसका प्रूफ जो बच्चों सर्कुलर मोशन में मान के कर लेते हैं, ये सन है, ये अर्थ है और सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है,
ये आपके पास सन है और अर्थ इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। प्लेनेट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व, अज्यूम कर ले कि प्लेनेट मान ले सर्कुलर पाथ में, मान के कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो आपके पास पता है बच्चों यहाँ पे इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्या बना रहा है यहाँ पे, सेंटीपेटल फोर्स, एफ जी बाई एफ सी। तो जी एम, इसको एम मान लो, एम एम बाई आर का स्केयर, आर क्या है बच्चों, रेडियस है यहाँ से, एम वी स्केयर बाई आर, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, वी की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आ जाएगी जी एम एस बाई आर, ठीक है। अब आपको पता है कि जो टाइम पीरियड है उसकी वैल्यू क्या होती है, टू पाई आर बाई वी। तो टू पाई आर वी की वैल्यू जी एम एस बाई आर की पावर वन बाई टू, टू पाई आर की पावर थ्री बाई टू इंटू जी एम एस। तो यहां से अगर मैं स्केयर को रीड हो, सब कांस्टेंट है बच्चों, स्केयर करूंगी तो क्या बनेगा, टी स्केयर फोर पाई स्केयर जी एम एस बाई आर क्यू। कई बार ये कांस्टेंट भी पूछ रहे थे, जैसे हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इक्वल टू गलत लिख दिया बच्चों मैंने, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो प्रोपोर्शनलिटी आएगी बच्चों, ये क्या होगी, फोर पाई स्केयर अपॉन जी एम, ये के कॉन्स्टेंट है। कई बार इस कॉन्स्टेंट को भी एम्स में पूछा हुआ था, एक बार एम्स के एग्जाम में पूछा था कि इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी, फोर पाई स्क्वायर बाई जी एम। तो टाइम पीरियड जो है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के, और ये आर में डिस्टेंस कौन सी होगी बच्चों, सेमी मेजर एक्सिस। इलिप्स के केस में आर डिस्टेंस कौन सी होगी, सेमी मेजर एक्सिस। नोट करिए एक बार, हो गया ठीक है बच्चों। बाकी एक दूसरा भी प्रूफ है, पर उसको नहीं करना, आप इसी को कर लो, आपको ये ध्यान रखना कि डिस्टेंस कौन सी होगी बच्चों, सेमी मेजर एक्सिस। फिर कभी करवाऊंगी मैं उसके दूसरे प्रूफ को भी, बट फिलहाल आप इतना ही ध्यान रखो, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करें। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम आपके नेक्स्ट यूनिट क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे 7th यूनिट, ठीक है।